अभी हमने देखा कि एक हमने सिंपल बॉक्स क्रिएट किया है और लेंथ, विड्थ और हाइट के सेगमेंट्स हमने इंक्रीज़ किए हैं। आप देख रहे हैं कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में तीन तीन की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, यानी हर जानब से इसकी डिवीजन जो है वो तीन सेगमेंट्स की है। 3D Max में इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें अपने इन ऑब्जेक्ट्स के इन सेगमेंट्स के ऊपर इख्तियार हासिल हो जाए ताकि हम इनको मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर सकें। 3D मॉडलिंग के दौरान अपने मॉडल्स को मॉडिफाई करने के लिए या इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को ओवरऑल सीन के अंदर मूव कराने के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो ये तीन ऑप्शंस बेसिक हमारे पास मौजूद हैं। इन तीनों को अभी हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम आगे इस बॉक्स की मज़ीद डिवीजन के अंदर जाएंगे कि कैसे इसके सेगमेंट्स के ऊपर हमें इख्तियार हासिल होता है। मगर पहले ये ज़रूरी है कि हम इन तीन ऑप्शंस को समझ लें। जैसे हमारी पहली ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ये मूव की ऑप्शन है, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है सेलेक्ट एंड मूव, यानी सेलेक्ट भी करता है और मूव भी करता है। हमने अपने इस बॉक्स को सेलेक्ट किया हुआ है, एक्स वाई जेड का ये एक आइकॉन आपको नज़र आ रहा है सेंटर में, इसको हम गिज़मो कहते हैं। आप देख रहे हैं कि वाई एक्सेस पे हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, एक्स एक्सेस पे अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं या जेड एक्सेस पे अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। इनकी डेफिनेशन हमें मज़ीद भी जैसे जैसे हम काम करेंगे हमें समझ में आती जाएगी। अगली ऑप्शन हमारे पास सेलेक्ट एंड रोटेट की है, सेलेक्ट किया, आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्योंकि सेलेक्टेड था गिज़मो आपको चेंज हुआ हुआ नज़र आ रहा है, गोल दायरे बने हुए हैं यानी ये गोलाई में हमारे ऑब्जेक्ट को घुमा सकता है। इसमें भी हम अपने किसी भी एक्सेस के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। ये हमारे पास रोटेशन की ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल की ऑप्शन है, इसको प्रेस करके रखें। ड्रॉप डाउन में स्केलिंग के डिफरेंट मोड्स हैं, बेसिक स्केल जो यूनिफॉर्म स्केल है वो सेलेक्ट किया। आप देख रहे हैं कि इसमें भी एक्स वाई जेड एक्सेस नज़र आ रहे हैं। सेंटर में अगर आएंगे आप, बिल्कुल सेंटर में जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है यहाँ से अगर हम मूव करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म स्केल कर सकते हैं, यानी चारों जानब से बिल्कुल बराबर स्केल कर सकते हैं। देख रहे हैं कि बिल्कुल बड़ा या छोटा हम अपने ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। किसी एक जानब से अगर स्केल करेंगे तो जाहिर है कि ओवरऑल उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन कभी हमें इस तरह भी करने की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑप्शंस हम अपने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पे भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखिए कि हमने एक स्फीयर क्रिएट किया, इसको हम अपनी जगह से मूव कराना चाहते हैं या स्केल करना चाहते हैं, किसी एक जानब भी स्केल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसकी शेप आपको चेंज हुई भी नज़र आ रही है, या रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर हमने ये ऑप्शन इसलिए देखी क्योंकि तो अभी हम जब अपने इस मॉडल को बनाना शुरू करेंगे तो पहले से हम अपनी इन ऑप्शन से वाकिफ़ हों ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो अपने सब ऑब्जेक्ट लेवल पर काम करने में और इन ऑप्शन के इस्तेमाल करने में, क्योंकि मॉडलिंग के दौरान हम फ्रीक्वेंटली यानी बाकायदगी के साथ इन तीनों ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हैं।